लेकिन एक बड़ी खबर ले लेते हैं वापस, फिर उसके बाद मेहमानों के पास आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर सीधा और बड़ा हमला, पाकिस्तान का घृणित चेहरा सामने आया है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पश्चिमी सीमा पर हमारे जवानों ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया है, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए, जवानों की गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। तो अब्दुल समद साहब, पाकिस्तान को पहले भी लेने के देने पड़ चुके हैं, पाकिस्तान को किस तरह से कल भी बताया गया है, क्या इसी वजह से मजबूर होकर आज अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के डोजियर और ये सब प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपके देश में सवाल पूछे जा रहे होंगे कि क्यों 20 जवान शहीद हो गए। नहीं, 20 की हमारे यहाँ तो जवान शहीद होते हैं तो उन पे अफसोस भी नहीं किया जाता, बल्कि उनको तो वो तो लड़ते ही इसीलिए हैं कि उनको शहादत उनका वो मकसद होता है। लेकिन डोजियर जो है वो तो एक तो चलिए फिर अभी बता दीजिए कि कितने मारे गए हैं, कितने जवान मारे गए हैं, अगर आप उन्हें शहीद ही समझते हैं तो जवानों का नाम तो बता दीजिए। जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो एक शहीद है और कुछ सिविलियंस हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन सुमेरा, मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ 30 सेकंड है जिसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्रॉस द बॉर्डर जब LOC के ऊपर दो प्रोफेशनल सोल्जर्स या आर्मी लड़ती हैं तो उसमें नुकसान, मैंने आज एक तस्वीर देखी, एक बच्चे की एक आंख निकली हुई, बेचारा जख्मी, मुझे दुख हुआ कि चले प्रोफेशनल सोल्जर्स को साइड पर रखें। हम कश्मीरियों की बात कर लेते हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो या इंडियन आर्मी हो, जब आपस में फाइट करती है तो दोनों साइड से, उस तरफ भी कश्मीरी मारे जा रहे हैं, यहाँ पर भी कश्मीरी मारे जा रहे हैं। कम अज़ कम ये तो हमें सोच लेना चाहिए, या हमारे आर्मी को या हमारे सोचना चाहिए आपको, ये तो हम आपको लगातार कहते हैं कि आपको सोचना चाहिए ये कि आप पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित कर भेजते हैं, आपको सोचना चाहिए ये, तो आप क्यों नहीं सोचते? देखिए फिर वो अगेन, देखें फ्रीडम फाइट, मैं इस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि दोनों तरफ से, चाहे बॉर्डर के उस तरफ भी कश्मीरी हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी कश्मीरी हैं, जब दोनों तरफ से शेलिंग होती है तो बेचारा मारा जो जाता है वो सिविलियन बेचारा कश्मीरी मारा जाता है। दुख इस बात का है, ये अपनी लड़ाई में हम दुख आप जो जाहिर कर रहे हैं, ये देखिए, ये दुख अगर आपको होता तो फिर इसको लेकर नीतियां बनाई जाती ना, आप इस तरह से सीज फायर वायोलेशन नहीं कर रहे होते। हमारे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, सीज फायर वायोलेशन क्यों किए जाते हैं, सर्दियां आने से पहले सीज फायर वायोलेशन क्यों होते हैं, इतना पाक साफ इरादा है पाकिस्तान का जो अभी अब्दुल समद साहब जिस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, नियत और मंशा क्या है पाकिस्तान की? सुमेरा, इस पूरे साल के अंदर 4000 बार से ज्यादा सीज फायर वायोलेशन हो चुका है, और अगर आप अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो करीबन अक्टूबर में 400 बार और अभी 128 बार से ज्यादा, और जैसे 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 और ज्यादा 10-15 दिन होंगे ये और बढ़ेगा, सीज फायर वायोलेशन लगातार बढ़ेगा। दरअसल ये आखिरी अटेम्प्ट होता है सुमेरा, जब बर्फ गिरने से पहले इन्फिल्ट्रेशन कराया जाता है, और अभी भी कल भी जब छल के अंदर या फिर आप माफ कीजिएगा केरन सेक्टर के अंदर हुआ, तब ये इनपुट थे साफ तौर पर कि बड़ी संख्या में आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ दो सेनाएं एक दूसरे पर शेलिंग इसलिए नहीं कर रही हैं, आप सीज फायर वायोलेशन क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं सुमित, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी नीयत ये है कि आप भारत में आतंकवाद को भेजें। एक बड़ी खबर और बताते हैं, उसके बाद मनीष झा के पास चलेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर से चीन को मोदी की कड़ी और साफ चेतावनी, हमें उकसाया तो छोड़ेंगे नहीं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। पूरी दुनिया विस्तारवादी ताकतों से इस समय परेशान है, विस्तारवाद एक मानसिक विकृति है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी साफ तौर पर चीन पर ये निशाना साधा प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। सुनिए क्या कहा। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। इससे पहले विष्णु प्रकाश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं मनीष आपके पास आऊंगी। विष्णु प्रकाश जी, पाकिस्तान को ही नहीं चीन को भी इससे ज्यादा साफ शब्दों में नहीं बताया जा सकता कि भारत की नीति क्या है? बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, पर जो खूबी है प्रधानमंत्री जी के आज जो उनका भाषण हुआ है उसमें उन्होंने दोबारा ये कहा है कि हम शांति प्रिय देश हैं,
हम बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं, हम समझना भी चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं। और जो उन्होंने खास तौर पे फोकस किया जिस बात पे कि ये जब हम शांति की बात करते हैं या डायलॉग की बात करते हैं तो ये कमज़ोरी का चिन्ह नहीं है, हमारे पास ताकत है, पर हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और सुमेरा जी, इस वक्त जो प्रधानमंत्री ने कहा, इस वक्त जो समय है, ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि आप जानती हैं मीडिया के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन और भारत के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है फौजें निकालने की, पर अगर आप ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ें तो वो उसमें कुछ लग रहा है कि वो उस बात से भी मुकरना चाहते हैं। तो शायद वो कारण भी है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत का पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया। जी हाँ, इसी पर मैं मनीष की प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगी। मनीष, जो विष्णु प्रकाश जी कह रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन फिर चीन पर भरोसा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, साथ ही पाकिस्तान में जो आज खलबली है, जो ये डोजियर देने की बात हो रही है, जो एक बार फिर ये प्रोपेगेंडा चलाने की बात हो रही है, वो खलबली क्यों है? कल जो एक्शन लिया गया उस वजह से? देखिए सुमेरा, विष्णु प्रकाश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि आज की तारीख में जब दुनिया के सामने दो बड़ी समस्या है, आतंकवाद और विस्तारवाद, तो प्रधानमंत्री ने लोंगोवाल से दोनों को एड्रेस करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के आतंकवाद की और चीन के बिना नाम लिए विस्तारवाद। लेकिन अब अगर आप डोजियर के संबंध में कनेक्शन जोड़ें तो देखिए, ये क्या ये संयोग है कि 3 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये आशंका जताते हैं कि भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर सकता है, और आज हमारे प्रधानमंत्री लोंगोवाल में उस जगह पर मौजूद है जिसका ऐतिहासिक कनेक्शन है, जब 50 साल पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो इसी वजह से अगर इस डोजियर के संदर्भ में देखें तो बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना हजारों बलूचिस्तान के लोगों को हत्याएं कर रही है, लाखों लोगों पर जुल्म उकसा रही है, तो क्या एक नया बांग्लादेश आपको बनते नहीं दिख रहा है? और अगर ये हालात बन रहे हैं तो फिर कल के दिन में इमरान खान या पाकिस्तान के लोग इस बात के लिए भारत को ब्लेम ना करें कि पाकिस्तान के और ज्यादा टुकड़े हो गए, क्योंकि वही आज बलूचिस्तान हो रहा है जो 50 साल पहले बांग्लादेश में हुआ था। और ये संकेत ही हैं जिन्हें पढ़ने की बहुत जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास भी याद किया, भारत ने पहले कैसे सबक सिखाया ये भी बताया, ये भी कहा कि हम शांति चाहते हैं, समझना समझाना चाहते हैं, लेकिन अगर हद को पार करने की कोशिश हुई तो फिर क्या किया जा सकता है, वो आप पहले भी देख चुके हैं, वो आप आगे भी देखेंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।